नगर निगम स्थित सदन हाल में शुक्रवार को शासन से मनोनीत नगर निगम गोरखपुर के नामित पार्षदगणों का शपथ ग्रहण और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल ने शासन से मनोनीत पार्षदों को कार्यकुशलता व कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य लोगों ने शासन से मनोनीत पार्षदों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाओं के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया और मनोनीत पार्षदगणों को शुभकामनाएं और बधाई दी गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल और सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, या तो शपथ लेंगे उसके बाद हस्ताक्षर करेंगे। सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह साइन होगा सर इस पे ठीक है। जब दिव्यांग स्कीम से यार जितनी खुशी लगी हुई है वही लोग करेंगे बाकी सर। आदरणीय माननीय सांसद जी, माननीय विधायक डब्ल्यू, माननीय विधायक शहर, माननीय सदस्य विधान परिषद, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, माननीय महानगर अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी और सभी माननीय पार्षदगण के आज पत्र हैं। इस आयोजन की शुरुआत सबसे पहले माननीय पार्षदगण के लिए शपथ लेनी है और जिनका उद्घाटन होना है उनको मैं हार्दिक बधाई के साथ शुरू करता हूँ। आज सभी को हार्दिक बधाई हो और आगे की ये शुभकामनाएं का वक्तव्य तो मैं माननीय पार्षदगण से अनुरोध करूंगा कि हम आपके सामने एक पाई रखती हुई जो नगर निगम गोरखपुर पार्षद सभी लोग ईश्वर से ईश्वर के सफल नेताओं को सब सजगता से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा अति प्रति रखूंगा। मैं भारत की पूर्णता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं क्योंकि एक अनुभव संक्षिप्त करना है और लॉकडाउन चल रहा है यह उचित होगा कि सीधे मैं मानता हूं कि सभी 85 हमारे गणमान्य लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सबका आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके साथ है। कार्यक्रम को संक्षिप्त करना है इसलिए सीधे मैं अन्य सभी लोगों से क्षमा याचना करते हुए सीधे माननीय मेयर साहब को आता हूँ। माननीय मेयर साहब अपनी ओर से गणमान्य व्यक्ति जो हमारे बीच में गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं उनका स्वागत भी करें, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करें और नवनिर्वाचित पार्षद को अपने आशीर्वाद और शुभकामनाएं दें। क्षत्रिय अध्यक्ष आदरणीय हमारे नगर आयुक्त गोरखपुर की जनता के
जनता पर है, इनको भी अंडोरपुर की जनता की तरफ से सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ। पत्रकार बंधु आने मिलता है, इस समय बहुत ही विषम परिस्थितियों से लड़ा गुजर रहा है, यहाँ पर बासठ मरीज हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव। हम लोगों को अपने तरफ से नगर निगम की तरफ से जो है हमने कमिट किया था कि जो भी कोई संक्रमित मरीज या कोई बाहर से आता है तो उसकी सूचना स्थानीय जिला प्रशासन को मुहैया करके कोरोना के बारे में सबको सहयोग करना चाहिए। इस तरह हम लोग को यहाँ सबसे बड़ी समस्या हो रही थी इंदौर के बड़ी बजा रही थी उनके पर्दन में धन्यवाद आपके धन्यवाद के दिल से धन्यवाद जी के धन्यवाद हमारे मुंशी साहब के धन्यवाद। आज सब लोग आज यहाँ टूटल है, नगर आयुक्त जी हर टूटल है, आज कोई यहाँ पर और आप सब लोगों के लिए सब खुशी की बात है कि आज आप लोगों को ऐसी जिम्मेदारी मिली है जिसको लेकर आप लोगों को चलना है। वैश्विक महामारी है, कोरोना है, यह रहेगा जीवन में, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, वैसे कोरोना भी है और इससे लड़ना है, इससे आगे बढ़ना है और इसको लेके हम लोगों को चलना है। और जो महाराज जी जैसे की हैं, जैसे सांसद कार्यालय द्वारा हुआ या प्रशासन द्वारा हुआ, सब एक बहुत खुशी की बात है। आप सब लोगों को दिल से बधाई, महादेव करें आप लोग बहुत काम करें और भारतीय जनता पार्टी का नाम और रोशन करें, बहुत ऊंचाई से इस पार्टी का नाम ले जाए। जय हो आपकी गलती के लिए पहला अवसर है जब आपकी नेतृत्व ने पक्ष में प्रवेश किए आपको इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। विशेष रूप से मैं बधाई दूंगा नगर निगम की टीम को, ये इनका अधिकार सामान्य संबंध में हम लोगों की बहुत सी शिकायतें होती हैं नगर निगम की, लेकिन 22 मार्च के बाद से जब से कोरोना आया है मुझे कहने में कोई उल्लेज नहीं है कि नगर निगम की टीम वास्तव में एक टीम भाव से कोई भी अधिकारी हो, किसी भी स्तर का हो, कहते हैं भूल चूक लेनी देती, आप लोगों ने कुछ की जो भी शिकायतें दी थी महीने में दूर की हैं, इतनी मेहनत की है, इतनी सेवा की है गोरखपुर की कि मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है। चाहे वो सफाई का मामला रहा हो, चाहे वो विभिन्न प्रमुख नीति का मामला रहा हो, मैंने देखा है कि सिन्हा जी, अवनीत जी, अनिल जी, ये सारे लोग अपने सारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लगातार और नागरिकों को हम सब बहुत फख्र के साथ कह सकते हैं कि गोरखपुर में हम लोगों ने सर्वोत्तम सेवा देने का काम किया है। इसलिए आज के इस अवसर पर बधाई पर आपका फख्र, नगर आयुक्त ने मेहनत की है, अधिकार है। आप सभी माननीय पार्षदों से मेरी उम्मीद, आप चुन के नहीं आना होता है, चयनित पार्षदों की कुछ अलग समस्याएं होती हैं, जैसे हम चयनित विधायकों को आपको उन सारी समस्याओं को नहीं झेलना है, आपको सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ बैठना है, इसलिए आपके काम का दायित्व एकदम अलग सकता है। आप सारे संगठन के वरिष्ठ लोग हैं, संगठन के लोगों ने आपको अपना प्रतिनिधि बना करके यहाँ भेजा है, इसलिए नगर निगम का जो काम हो और आपके माध्यम से जिन वार्डों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं उन वार्डों को विशेष निगाह जाए, आप उनमें से अलग अलग किसी वार्ड पर डाल और उन वार्डों की बेहतर सेवा करें, इससे हम लोगों की उम्मीद होगी। आप सब चयनित होने के लिए आज के सत्र समारोह में बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब नगर निगम के ऊपर बहुत बधाई देता है। इस कोरोना की जंग से, कोरोना की बीमारी से जनता को बचा, और मैं समझता हूँ बहुत
इस बहुत दक्षता और कुशलता से अपने कोरोना से जंग की है। मैं आप सब साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। नामित पार्षद हमारे अपने भाई हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं। आपसे बड़ी अपेक्षा है गोरखपुर महानगर पर कैसे समन्वित विकास, कैसे महानगर अपना भव्य और सुंदर बने, इसकी कार्ययोजना आप रहेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। ये ऐसा दायित्व है कि आने वाले वर्षों में लोग याद करेंगे कि आदरणीय सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में गोरखपुर शहर को एक नई पहचान, इसकी सूरत और सीरत धरती देखिए। यहाँ कोई है, क्योंकि जब हम लखनऊ जाते हैं तो हम उस नेता के प्रति श्रद्धा के भाव का जागरण होता है जिसने लखनऊ की तस्वीर को बदला है। यद्यपि हम अचानक उसे निरंतर उनके विरोध में खड़े, पर वे सत्ता में भी चरम पर थी तो भी मैं उनके खिलाफ लड़ता था। लेकिन उनका एक सकारात्मक पक्ष भी है कि लखनऊ महानगर को प्रदेश की राजधानी जितना सुंदर बनाना चाहिए उन्होंने बनाया। ठीक इसी प्रकार आने वाली पीढ़ियां सीताराम जी जायसवाल के विरोधी भी कहें कि सीताराम जी के जमाने में गोरखपुर का गोरखपुर शहर भव्य बना, गोरखपुर की नई पहचान मिली, गोरखपुर की तस्वीर बदली, इसी उत्कृष्ट भावना से आप पूरा नगर निगम काम करेगा। मैं आप सब सभी बहनों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और हर कभी याद आप सभी कार्यक्रम का, जैसा कि प्रदेश सरकार की मंशा आप सभी मिलजुल कर एक नया समाज बनाए, एक नया आदर्श बनाए, अपने कार्यों के द्वारा समाज में काम करके क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर नगर निगम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाए। और इन्हीं संबंध के साथ आप सभी बहुत बहुत बधाई। मैं अपने सभी सम्मानित प्रतिनिधियों से अपने को जोड़ते हुए नगर निगम में जो इस महामारी में अद्वितीय काम किया है मैं उनसे जोड़ते हुए और गोरखपुर के अंदर जो लगातार विपक्ष की सरकार ने उपेक्षा का भाव किया, गोरखपुर के विकास के साथ भेदभाव किया, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि गोरखपुर विकासेश्वर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज ने जो 40 वर्षों में विकास में मांगा, 3 वर्ष में गोरखपुर में करके उन्होंने दिखाया, उनका एक सपना है और मुझे विश्वास है हमारे सभी मनोनीत पार्षद नगर निगम में महापौर जी के नेतृत्व में गोरखपुर जो उनका सपना है तो सपने को और ऊंचाई करते जाने में सहयोग करा सहयोग करेंगे। मैं आप सबके ऊपर अपने भविष्य की कामना करते हुए भगवान गोरखनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब गोरखपुर की संस्कृति को पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में और बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमारे कई भाई ऐसे भी हैं जो पार्षद रह चुके हैं, हमने जो मोदी है वीर सिंह सोनकर जी है धर्मदेव जी है, इन लोगों को पार्षद का भी अनुभव है और नामित पार्षद के रूप में काम करेंगे तो निश्चित है आप लोग बेहतर काम करेंगे। और नए हमारे जो भाई आए हैं इनको आप लोग गाइड करेंगे, क्योंकि कोरोना है, कोरोना में शपथ ग्रहण का भव्य रूप नहीं ले पाए उसका अफसोस रहेगा। लेकिन साथियों हम लोग
उससे काफी पीछे हो जाएगा, देश तो पीछे होगा ही, गोरखपुर में भी कुछ असर दिखेगा। लेकिन कहा है जाति अरब पे के सो ताको को मने सो, जिसका अर्थ ही गोरखपुर का कुछ महाराज के हार कराए हैं तो निश्चित साथ योगी का होगा। चंद दिनों में देखेंगे गोरखपुर तस्वीर बदल रही है और बदलती रहेगी। आप सभी को एक बार पूरा धन्यवाद देते हुए शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का कड़ा निर्देश है, 2 गज दिशा निर्देश पर आज 10 पार्षदों को शपथ ग्रहण कराया गया है। ये हमारे सहयोगी बनेंगे और हम लोग शहर की सफाई व्यवस्था, नागरिकों को विशेष सुविधा दिलाने में हमारे अनुभवी पार्षद भी हैं, इनका सहयोग हम लोग लेंगे। हमारे विधायक जी, दोनों विधायक ग्रामीण और शहर आए थे, हमारे एमपी साहब आए थे, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष भी आए थे। इन लोगों ने, सभी लोगों ने पार्षदों को बधाई दी है। मैंने भी शहर की जनता की तरफ से इनको शुभकामनाएँ दी है। सारे माननीय पार्षदगण का शपथ ग्रहण था और बड़ा अच्छा सुंदर था, लेकिन कोरोना के चलते बड़ा शांति से हुआ, चूँकि जिस हिसाब से नगर आयुक्त और जिस हिसाब से पूरे नगर पालिका ने इस कोरोना के दौरान काम किया, तो ये जिम्मेदारी है। तो पूज्य महाराज जी चाह रहे थे कि और भी पार्षदगण आ जाए, क्योंकि ये शायद महामारी, वैश्विक महामारी कितने लंबे समय चलेगी, तो पार्षदगणों को एक हिसाब से शपथ के साथ आज से मुझे, मेरी नज़र में ड्यूटी शुरू हो गई। तो इन लोगों की आज से ड्यूटी 24 घंटे की लग गई कि भैया आप लोग अभी काम पे लगे और ये बहुत जिम्मेदारी का समय है। तो ये खुशी तो है ही, लेकिन मुझे लगता है ये शपथ लेना, जैसे हम सांसद का शपथ लिए और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, तो आज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और निर्वहन करेंगे। और बहुत भाग्यशाली हैं सारे पार्षदगण की, पूज्य महाराज जी के क्षेत्र गोरखपुर से वो लोग पार्षद बने हैं। और एक लंबी लड़ाई है और जनता की सेवा करें तभी ये, वही है। देखिए, जो भी शपथ सरकारी मिलती है वो सब मानवता के लिए मिलती है, और उसको जो भी व्यक्ति समझ लिया, वो सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, जो भी व्यक्ति हो सरकारी, जिसको एक तमका मिलता है, वो उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है मानव सेवा की। और जहाँ पर वो समझ लेगा तो ये सब अमर हो जाएंगे। बहुत, आप देखिए अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे मुंबई में सारी सेवाएं रही, या यहाँ राशन वितरण रहा, या सबको ट्रेन में वहाँ चढ़वाना रहा, या सारे देश के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखनी रही, पूज्य महाराज जी से लेके प्रधानमंत्री जी से लेके रेल मंत्री जी हमारे पीयूष जी से लेके बहुत सारे काम, देखिए बहुत काम होते हैं। और ऐसे इस वक्त तो इतना सब आया है सबके ऊपर जिम्मेदारी, इसको निभा लें। और कार्य कितना, गोरखपुर जितना सुंदर बन रहा है देख ही रहे हैं। अगर ये कोरोना नहीं होता तो अभी 2-3 फिल्मों की हम शूटिंग करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आज बहुत सारा रोज़गार कलाकारों को भी मिलता। बस अभी ये वैश्विक महामारी से लड़ लें, थोड़ा इससे बाहर निकल जाएं, क्योंकि अभी ये चिंता अभी भी है और ये कह रहे हैं कि अभी और ये थोड़ा बढ़ेगी। तो हम सब लोगों को सतर्क रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, फेस पे हमेशा गमछा या कवर या जो भी है मुंह ढाक के रखना है, दूरी बनाए रखना है, छुआछूत से बचना, हो सके हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज़र से ना धोएं, साबुन से धोएं, क्योंकि सैनिटाइज़र से ज़्यादा धोने से स्किन कैंसर होता है, ऐसा WHO का मापदंड आया है।